नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीक्षा, वी क्लिनिक होम्योपैथी कानपुर से। आज मैं आपसे आपकी इम्यूनिटी के बारे में बात करूंगी। जैसा कि आप सभी को पता है, इस समय पूरा देश, पूरा विश्व कोरोना वायरस जैसी बीमारी से जूझ रहा है। तो ऐसे में जितने भी हेल्थ एक्सपर्टीज होते हैं, जितने भी डॉक्टर्स होते हैं, डाइटिशियन होते हैं, और जितने भी, मतलब आपने शायद कल का मैसेज भी देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री जी का, कि उन्होंने एक ही बात बोली है कि आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप करिए। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो आप कोरोना वायरस तो क्या, कई सारी बीमारियों से भी लड़ सकते हैं। तो आज हम उसी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे कि कैसे आप अपनी इम्यूनिटी को नेचुरली बूस्टअप कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जिससे आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो जो इम्यूनिटी है उसको हम हिंदी में बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता या फिर प्रतिरक्षा आपके शरीर की। तो जो हमारी इम्यूनिटी है वो कई सारे रोगों से लड़ने में हमारे शरीर को मदद करती है। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो आप हर तरह की बीमारियों से लड़ लेंगे। तो इसके बाद में चलिए मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ कि इम्यूनिटी को आप कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं, कौन कौन से इसके नेचुरल वेज होते हैं जिससे आप इसको स्ट्रांग कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो फूड है, आपको कौन कौन सी चीज़ें लेनी हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। तो सबसे पहला जो फूड है वो है हल्दी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हल्दी में एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटीफंगल तीनों तरह की प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती हैं, और इसमें लिपोपॉलीसेक्राइड प्रेजेंट होता है जिससे कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। तो आप हल्दी को दूध के साथ मिक्स करके रोज रात में लें, इससे आपकी जो इम्यूनिटी है वो नेचुरली स्ट्रांग हो जाएगी। सेकेंड नंबर पे जो आता है वो है हमारा अदरक। अदरक में क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, और अदरक का सबसे अच्छा काम होता है कि ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को स्ट्रॉन्ग करती है, आपके ब्लड को पतला करने का काम करती है, और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है उसको मेंटेन करके रखती है। इसमें एक जिंजरॉल नाम का एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड होता है जो आपकी नसों को रिलैक्स करने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो आता है वो है हमारा गार्लिक, यानी कि लहसुन। ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने का काम करता है, हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, और हमारे कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करके रखता है। उसके बाद में चौथे नंबर पे जो आता है वो है बादाम। बादाम में विटामिन ई प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट होता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, और जो कि इन्फेक्शन से लड़ने में हमारी बॉडी की हेल्प करता है। उसके बाद में पांचवा जो फूड है वो है ग्रीन टी। आप कॉफ़ी की जगह ग्रीन टी अगर लेते हैं तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है आपकी इम्यूनिटी को, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। छठा जो है वो है हमारा पपीता, नींबू और संतरा, जिसमें कि विटामिन ई प्रेजेंट होता है, और ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उसको भी मेंटेन करके रखता है, प्रॉपर डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके बाद में जो सेवेंथ आता है वो है आपका पालक। पालक में भी विटामिन सी काफ़ी प्रचुर मात्रा में होता है, इसके अलावा विटामिन ई भी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा कई सारे और तरीके हैं जो कि आपको अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे कि आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आप योगा कर सकते हैं। इसके अलावा आप भरपूर नींद लीजिए, जो कि 6 से 7 घंटे की ज़रूरी नींद होती है, आप उसको लीजिए। स्ट्रेस कम लीजिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं कौन कौन सी इसकी होम्योपैथिक रेमेडीज होती हैं। देखिए होम्योपैथी में
प्रॉपर मेडिसिन लेने के लिए आप अपने नियरेस्ट किसी डॉक्टर से कंसल्ट करिए। इसके अलावा दो मेडिसिन्स होती हैं, एक एडल्ट्स के लिए और एक बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों के लिए। इसके लिए एक हमारा ब्रांड होता है WSI, जी हाँ विलियम सोबे, उसका एक प्रोडक्ट आता है मोन्स्टिन, MUNOSTIM, मोन्स्टिम करके आता है। उसकी चार चार टैबलेट दिन में 3 बार आप बच्चों को दीजिए। दूसरे नंबर पे एडल्ट्स के लिए होता है, सेम ब्रांड है WSI का, अल्फा डी करके। तो ये भी वीक इम्यूनिटी को आपकी स्ट्रॉन्ग करता है। आपको क्या करना है, 10-10 ड्रॉप आधा कप पानी में दिन में 3 बार लीजिए 15 दिन तक, और उसके बाद दिन में 2 बार लगभग 3 महीने तक अगर आप लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और इसी के साथ आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। धन्यवाद।